दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पोस्टर वॉल एडिटिंग करने वाले हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कैसे फोटो को क्लिक करते हैं अपने खुद के मोबाइल से वो दिखाया, और कैसे फोटो को एडिट करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं वो सब कुछ हमने डिटेल्स में दिखा के रखा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फोटो को कैसे क्लिक करना है फोन में। सो गाइस आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम फोटो शूट कर रहे हैं हाईवे पे। तो जो हाईवे ब्रिज की वॉल होती है ना, उसके ठीक सामने मॉडल को बिठा देना है और हमें फ्रंट साइड लो एंगल से फोटो को क्लिक कर लेनी है। तो दोस्तों अगर आप हाईवे पे फोटो शूट करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल संभल कर फोटो शूट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है आपके लिए। तो अब आ जाती है मेन एडिटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमें फोटो को ले आना है पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट के अंदर हमें सबसे पहले क्रॉप कर लेना है फोटो को स्क्वायर साइज में। तो दोस्तों स्क्वायर साइज में फोटो को क्रॉप करने के बाद हमें उसको एडजस्ट कर लेना है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को। दोस्तों सबसे पहले मेरे फोटो के हाइलाइट्स और शैडो को ध्यान में रख के एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को कम कर दूंगा और सैचुरेशन को -15 या 10 के अंदर रखूंगा, और हाइलाइट्स को -100 कर दूंगा। शैडोस को अपने फोटो के हिसाब से डाल दूंगा। तो यहाँ पर इतना कुछ सेट हो जाने के बाद हमें डन कर लेना है। फिर दोस्तों हमें फोटो को ऐड कर लेना है जो कि हमें वॉल के ऊपर लगाना है। दोस्तों मैं इस फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको हाईवे पे फोटो शूट नहीं करवाना तो उसका भी टेंशन मत लेना दोस्तों, उसका भी मैं बैकग्राउंड दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अब पोस्टर वाली फोटो ऐड हो जाने के बाद इसको हमें सेट कर लेना है बैकग्राउंड के ऊपर और उसकी अपॉर्चुनिटी कम कर लेनी है। फिर हमें इरेज कर लेना है वो एरिया जहाँ पर हम बैठे है। तो अब यहाँ पर हमें इरेजर को चूज कर लेना है और यहाँ पे सब इरेज करते जाना है लगातार। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से पोस्टर को इरेज कर देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। और दोस्तों आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट करके हमें बता दो, ताकि हम लोग उसके ऊपर वीडियो ला सके। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पोस्टर को इरेज कर लिया है उस एरिया में जहाँ पर मैं बैठा हूँ। इतना हो जाने के बाद हमें उसकी ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई में कर लेना है और उसकी अपॉर्चुनिटी को 80 से 90% के अंदर डाल देना है। फिर दोस्तों हमें डन कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें टूल्स पे क्लिक कर लेना है और क्रॉप पे क्लिक कर लेना है, और दोस्तों यहाँ पर जितना भी एरिया पोस्टर में कवर हो रहा है उतना हमें क्रॉप कर लेना है। क्रॉप हो जाने के बाद डन कर लेना है और वापस से टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आने के बाद क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो भी मैं करते जा रहा हूँ आपको वैसा वैसा करते जाना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना है, और जो एरिया पे हमें कलर करना है उसके ऊपर हमें ब्रश मारते रहना है। तो यहाँ पर हम क्लोन टूल का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर ब्लैक कलर की वॉल है उसका कलर हमें मैच करना है नीचे। फिर दोस्तों इतना हो जाने के बाद हमें डन कर लेना है और अपने फोटो के अंदर अपनी लोगो डाल देनी है। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, आप वहाँ पे जाके इजिली अपना लोगो बना सकते हो। तो दोस्तों लोगो लगाने के बाद पिक्सआर्ट का काम हो जाता है कम्प्लीट। अब हमें सेव कर लेनी है फोटो ड्रॉ टूल के अंदर जाके। यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक कर लेना है और ऊपर 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर लेना है। सेव हो जाने के बाद हमें ये फोटो को ऐड कर लेना है लाइट रूम के अंदर। दोस्तों मैं यहाँ पर सारे एडिटिंग एप्लीकेशन प्रीमियम यूज करता हूँ। अगर आपके पास प्रीमियम एपीके नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, सभी एप्लीकेशन आपको प्रीमियम मिल जाएगा वहाँ पर। तो अब लाइट रूम में फोटो ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसका एक्सपोजर बढ़ा देना है, और दोस्तों कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर लेना है और हाइलाइट्स को 50% कम कर लेना है। फिर हमें शैडोज को बढ़ा लेना है और वाइट्स को हमें थोड़ा कम कर लेना है। फिर हमें ब्लैक को एडजस्ट कर लेना है, सबसे पहले देख लेना है, हम बढ़ा के देखेंगे फिर कम करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ा देते तो फोटो अच्छी दिख रही है। तो अब हमें कर्व टूल पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर वाला डॉट है वो हाईलाइट का है और नीचे वाला डॉट है वो बैकलाइट का है। तो इतना हो जाने के बाद हमें डन कर लेना है और यहाँ पर नीचे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर हमें वाइब्रेंस को बढ़ा देना है, और जितना भी आप वाइब्रेंस बढ़ाओगे उसका आधा हमें सेचुरेशन कम कर लेना है। फिर दोस्तों हमें मिक्स टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपने शर्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, HUE को माइनस कर देता हूँ और सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा ल्यूमिनेंस कम करूँगा तो यहाँ पर डार्कनेस इफेक्ट आ जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सेचुरेशन बढ़ा दूंगा ऑरेंज कलर की, ताकि फोटो रियलिस्टिक रहे। फिर बाकी के
कलर्स आप अपने फोटो के हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर दोस्तों इसको डन कर लेना है। फिर हमें क्लैरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे क्लैरिटी को बढ़ा देना है और उसका आधा हमें डिहेज रखना है। फिर दोस्तों हमें विग्निटी को कम कर लेना है। इतना हो जाने के बाद शार्पनेस को हमें थोड़ा बढ़ा देना है और सारे टूल्स को हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। फिर दोस्तों हमें वापस से कर्व टूल में आ जाना है और यहाँ पे जो बैकलाइट वाला डॉट है उसको हमें नीचे साइड खींच लेना है और जो हाईलाइट वाला डॉट है उसको भी थोड़ा सा नीचे खींच लेना है ताकि आपके फोटो में डार्कनेस इफेक्ट बहुत ही जोरदार दिखे। तो अब बारी आती है प्रीमियम टूल यूज करने की। यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन में सिलेक्टिव टूल प्रीमियम एप्लीकेशन में ही आता है, तो फटाफट से लाइटरूम डाउनलोड कर लो, प्रीमियम एपीके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो यहाँ पर अब सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ब्रश को नीचे डाल देना है और यहाँ पे जो भी एरिया पोस्टर में है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। ये जो रेड रेड एरिया है वो सिलेक्टेड एरिया है, हमें अपने ऊपर सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ वॉल के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब हमें सिलेक्टेड एरिया का कलर एडजस्टमेंट कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोजर कम कर देता हूँ और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। अब हमें हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और शेडोज को भी बढ़ा देना है। फिर व्हाइट्स को 30-35 रख देना है और ब्लैक को थोड़ा माइनस में कर देना है। फिर दोस्तों हमें सैचुरेशन को कम कर देना है और क्लैरिटी को बढ़ा देना है और डीएस को उसका आधा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी टूल्स है उसमें आपको अपने फोटो के हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर लेना है। तो दोस्तों अब मैं सिलेक्टिव टूल यूज करके नीचे का एरिया कर देता हूँ। यहाँ पे जो रेड रेड एरिया है वो सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे कर देता हूँ और उसका एक्सपोजर कम कर देता हूँ ताकि नीचे का एरिया डार्क हो जाए और मेरी फोटो बहुत ही अच्छी दिखने लगे। तो अब हमारी हो जाती है फोटो एडिटिंग कंप्लीट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले फोटो कैसी दिखती थी और अब यहाँ पर कैसी दिख रही है। तो लाइटरूम में एडिट हो जाने के बाद ऊपर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, फोटो कैसे क्लिक करना है और एडिट करना है, प्लीज दोस्तों चैनल पे सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। और दोस्तों हमने मोबाइल वीडियोग्राफी के ऊपर बहुत सी वीडियो बना के रखी, वीडियो को कैसे शूट करना है, एडिट करना है, सब कुछ डिटेल्स में देके रखा है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।